बहुत है भाई अंदर अंदर बता रहे कि भाई फुल पैक है। कॉस्ट होगा अराउंड 7 से 8-10 हज़ार नेपाली रुपए के आसपास। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम क्लब 16। क्राउड क्या है भाई, फुल है भाई, फुल पैक। मिल चुके हैं हारिस भाई। यहाँ पे इंडिया में नेपाली करेंसी का हिसाब लगाया जा रहा है। बहुत चिल करेंगे, बहुत चिल करेंगे भाई। ये रखने जा रहा है गोप्रो, ये गोप्रो भाई अंदर अलाउ नहीं होता, सिर्फ फोन से आप शूटिंग कर सकते हो। हे गाइस कैसे हो आप सब, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज वो दिन आ चुका है कि हम लास्ट दिन है हमारा पोखरा में, और लास्ट दिन है भाई तो नाइट लाइफ तो एक्सप्लोर करनी बनती है। तो हम जाने वाले हैं यहाँ के मोस्ट फेमस क्लब, क्लब 16। वो क्लब 16 जाने से पहले हम जाने वाले हैं यहाँ पे एक नया क्लब खुला है कैट वॉक के नाम से, जो कि अभी बहुत फेमस चल रहा है, मतलब बिल्कुल अभी 1-2 महीने पहले सारी इनॉग्रेशन हुई है उसकी। तो इससे पहले वो क्लब देखते हैं, उसके बाद क्लब 16 जाएंगे सुबह तक पार्टी करने के लिए। बाकी चलो देखते हैं, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और देखते हैं भाई क्राउड कैसा है। भाई मजा तो आने वाला है व्लॉग में, तो पहले ही आप इसको लाइक कर लो वीडियो को। बाकी हम आगे चलते हैं, सबसे पहले कैट वॉक दिखाते हैं आपको। चलो तो भाई हमें जो राजस्थानी भाई मिले थे हमारे और भागलपुर वाले, हम सब साथ में जा रहे हैं रात को, क्योंकि भाई का होटल भी पास में है। बड़ी एनर्जेटिक शुरुआत हुई है और खत्म भी ऐसे एनर्जेटिक होंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे जस्ट सामने आ चुका है कैटवॉक, देख लो गाइस। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्राउड कैसा है, क्योंकि भाई आज है फ्राइडे नाइट, और फ्राइडे नाइट को तो भाई क्राउड होता ही होता है, हर जगह होता है ऑलमोस्ट। बाकी ये तो फिर भी काफ़ी फेमस है, यहाँ चल के देखते हैं कैसा क्राउड है अंदर का, आपको दिखाते हैं। ठीक है चलो, एंट्रेंस पर खड़े हैं कैटवॉक की, और क्राउड देखो बहुत है भाई अंदर को। अंदर बता रहे हैं कि भाई फुल पैक है। बाकी अंदर चलते हैं तभी पता चलेगा कि भाई। गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है यहाँ, हैं अभी नहीं पता मुझे वहीं भारी हो। गाइस देखो अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू देखते हैं भाई कैसा है क्राउड अंदर का। चलो चल के देखते हैं, लेट्स गो। मेरे को ये भी शीशा लग रहा था। मुझे भी शीशा लग रहा है भाई, मुझे भी शीशा लग रहा है। तो भाई निकल चुके हैं हम एक कैटवॉक से, कैटवॉक का क्राउड भी ठीक था, अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, पर हमें क्लब 16 देखना है यार, क्योंकि वो मोस्ट फेमस क्लब है यार पूरे पोखरा में। बेस भी थोड़ा सा कम था, बेस भी थोड़ा कम था, तो यार वहाँ जाना नहीं आ रहा था, ऑडियो का फील नहीं आ रहा था। क्लब 16 जाना तो बनता है, बनता है, और वहीं चल रहे हैं भाई। अभी आपको दिखाते हैं क्लब 16 का क्या मजा, क्या माहौल है भाई। अगर यहाँ का बताऊँ तो यहाँ पर आपको टेबल बुक करनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट होगा अराउंड 7 से 8-10 हज़ार नेपाली रुपए के आसपास टेबल बुक करनी पड़ती है। बाकी भाई जो ड्रिंक ऑर्डर करो, जो खाना ऑर्डर करो, वो उसी में कवर चार्ज है। अब हम जा रहे हैं क्लब 16, जो कि पूरे नेपाल, पूरे पोखरा का मोस्ट फेमस क्लब है। चलो जी वहीं चलते हो, वहीं मिलते हैं फिर। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं हम क्लब 16, और क्राउड देखो भाई यहाँ का नेक्स्ट लेवल क्राउड है भाई। कल आए थे, आज भी आए हैं, और कल से आज में भाई बहुत फर्क है। देखो क्राउड कितना जा रहा है भाई, ये देखो आपको दिखाता हूँ
भाई ऐसा लग रहा है सारा क्राउड क्लब पिस्ते ही जा रहा है यहाँ का, क्योंकि भाई सबसे मोस्ट फेमस जगह आप समझ रही हो भाई यहाँ की। आज वैसे ही फ्राइडे नाइट है गाइस, देख लो यहाँ पे क्राउड क्या है भाई, फुल है भाई, फुल पैक चल रहा है भाई इस टाइम। अब यहाँ पे एंट्री टिकट कितने का क्या सीन है आपको बताते, मैंने कल पूछा था तो बता रहे थे 1000 नेपाली रुपए के आसपास है यहाँ की एंट्री टिकट, बाकी खाना पीना अलग से, बाकी जो है आपको दिखाते हैं, बने रहो मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। चलो गाइस हमें मिल चुके हैं हारिश भाई, भाई ये रहा हरीश एक्सप्लोर कर रहा है, एलओडी भी करा था यहाँ क्यों आए, ये हमारे हरीश भाई है भाई, सूरज भाई है भाई, बहुत फेमस यूट्यूबर है हरीश भाई, भी मिल चुके नहीं भाई, राइडर है आपसे मिले शायद आपने, मैंने ब्लॉग में ना दिखाओ, ये राइडर है यूट्यूब पे काफ़ी, मतलब ये फेमस है काफ़ी यूट्यूब पे। चलो जी चलते हैं अंदर, साथ में चिल करेंगे फुल भाई, चलो यहाँ पे इंडिया की नेपाली करेंसी का चार्ज लगाया जा रहा है पूरा, अब देख लो कैसे क्या करना है, अब मुझे 6000 रुपए भी अंदर करते हैं अभी, ये सब लोग गए हैं एंट्री कराने के लिए। बाकी ये भाई यहाँ पे अभी हारिश भाई बता रहे थे कि अंदर का सीन बहुत सही हुआ भाई, मतलब क्राउड एकदम नेक्स्ट लेवल का। हारिश भाई जो अभी मिले थे वो भाई यूट्यूबर भी हैं, राइटर हैं और अच्छे खासे फॉलोअर हैं, मतलब 1 मिलियन के आसपास है, वो भी हमें यही मिले थे नेपाल में। तो भाई चलो अंदर जाते हैं, मजा आएगा, बहुत चिल करेंगे, बहुत चिल करेंगे भाई अंदर, मस्त चिल करने वाले हैं। चलो तो ये हमारी चेकिंग होगी यहाँ पे, ये बड़े कर लोग यार यही सोचना होता है, चेकिंग बहुत होती है यार इसमें, अभी गोप्रो भी उसका लगवा दिया किधर का, ये रखने जा रहा है गोप्रो, ये गोप्रो भाई अंदर अलाउ नहीं होता, सिर्फ फोन से आप शूटिंग कर सकते हो।
आपने देख लिया भाई कैसी पार्टी हो रही है यहाँ पे, पैर रखने की तक जगह नहीं भाई सही बताओ तो। तो भाई 2:30 बज चुके हैं, बाहर निकल गए इस क्लब से, अब वापसी जा रहे हैं हम कैटवॉक की तरफ, क्योंकि भाई वहाँ का क्राउड भी हमें अच्छा लगा था। बाकी भाई मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आप पोखरा आ रहे हो तो क्लब 16 जरूर जाना भाई, मस्ट विजिट है भाई, मजा आएगा आपको, मतलब क्राउड मस्त है भाई, क्राउड फुल है फुल, मतलब सीरियसली पैर रखने की तक जगह नहीं थी। चलो तो अब सीधा चलते हैं कैटवॉक क्लब और वहाँ भी आपको दिखाते हैं इस टाइम 2:30 बजे क्या माहौल होता है। चलो हाँ ब्रो, सब देखो यहाँ का रात का क्राउड पोखरा का कैसा हो जाता है भाई, रात का सीन यहाँ का, मतलब सब लोग यहाँ सब पार्टी वार्टी करके बाहर निकल जाते हैं। ये आ गया हमारा कैटवॉक, चलो जी अंदर चलते हैं कैटवॉक के दोबारा से। फाइनली सुबह के बज रहे 6 और हम अभी अभी निकले क्लब से बाहर। आप बताओ आपको कैसा लगा एक क्लब 16 और कैटवॉक क्लब, क्योंकि भाई दोनों ही क्लब में हम रहे, इधर उधर चेंज करते रहे, क्योंकि एक बैंड बनवाते हैं ये, आप बैंड बनवाओगे तो कभी भी री एंट्री दोबारा कर सकते हो बार बार। भाई मुझे तो बहुत सही लगा यार क्लब। बाकी ये थी लास्ट वीडियो यार नेपाल सीरीज की, बहुत दुख हो रहा है नेपाल को बाय बाय कहते हुए, पर भाई सुबह की हमारी 9:30 बजे की फ्लाइट है तो अभी 6 बजे अभी पैकिंग करके फौरन निकलना पड़ेगा, थक तो चुके भाई लेकिन अब तो सोएंगे भाई फ्लाइट में घर जाके बिल्कुल। तो होप सो आपको ये नेपाल सीरीज मेरी अच्छी लगी, अगर लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट करके बता दें वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं फिर ऐसी एक एक्साइटिंग सी जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।